से जाएंगे, एक साथ जाने का क्या फायदा? अलग अलग? हाँ, ऐसे में हम बहुत सारे घरों में जा सकेंगे उपले बेचने के लिए, और फिर सीधे द्वारका माई में मिलेंगे। मैं कैसे अकेले बेचूंगी? अरे तुम सब कर लोगी, सोचो दिवाली का, सोचो घर में दिए चाहिए है ना, नए कपड़े चाहिए है ना। चलो चलो, समय नहीं है, तुम उस गली में जाओ, मैं उस तरफ जाती हूँ। जी जी। पर बहुत थक गई हूँ, पानी है? फुर्सत मिल गई तुझे? शिरडी में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली तू ही है। वो तो हूँ। ये देखिए मेरे मेहनत का फल। क्या कर रही हो? ये द्वारका माई की दिवाली के लिए, ये बस्ती में जो दिए जलाने हैं उसके तेल के लिए, और ये तुम्हारे लिए कफनी खरीदने के लिए। साईओ अरे चल दूर हो, यहाँ कहाँ चली आ रही है? निचली जाति की होके यहाँ पास आ रही है? मैं तो बस उपले। चल भाग यहाँ से। दिन भर यही करती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? देखिए पाटी, जब भी मुझे समय मिलता पढ़ाई में मैं कमी नहीं छोड़ती हूँ। साई, मुझे एक मदद चाहिए। बोल। मुझे दिया बनाना तो आता है लेकिन बाती नहीं आती, तुम सिखाओ ना। तुझे दिवाली मनानी है ना, तो मैं मदद कैसे नहीं करूँगा, सिखाता हूँ तुझे। ये ले।
तो ये है रुई, कपास। इसमें ऐसे कपास को लिया, हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया, एक बार और, बन गई बाती। ले अब तू भी बना। हाँ, ऐसे हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया। बन गया। शाबाश। साई, मुझे भी बाती बनाना सिखाइए ना। आज केशव भी होता तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ, मैंने सुना है वो बहुत बड़े विद्यालय गया है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा वहाँ से पढ़ के, है ना साई? लक्ष्मी, विद्यालय बड़ा है या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, वो गुरु, अपने शिष्यों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाने के लिए कितना समर्पित है, कितना धैर्यवान है। और उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो उस ज्ञान को पाने के लिए कितना उत्सुक है, कितना मेहनती है। मैंने सुना है जीवा पकड़ा गया है। उससे तुम्हें क्या? नहीं, लेकिन वो संदूक नहीं मिला है ना। चोर मिल गया है, संदूक भी मिल जाएगा, जल्दी क्या है? एक बात पूछूं? मरियम, वो संदूक हमारे घर में रखा गया था ना, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही थी। लेकिन जब से चोरी हुई है, मैं तब से देख रही हूँ कि आप उतने चिंतित, उतने परेशान नहीं है जितना कि आप आम तौर पे होते हैं। मैं परेशान हूं कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र अब मुझे तुमसे लेना पड़ेगा। मेरा मतलब चुप बैठो। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, स्वामी। इस घर में प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है रुक्मणी। Thank you.
देखिए साई, एक नहीं बेच पाई। ऐसे हम द्वारका माई और बस्ती की दिवाली के लिए पैसे कैसे जमा कर पाएंगे? तुम्हें मैंने जो औषधि दी थी वो खाई, तब तो तुम ठीक हो रही होगी। तुम्हें कुछ फर्क लग रहा है या नहीं? विश्वास रखो, विश्वास हो तो दुनिया में सब कुछ संभव है। बोल ये आत्मसमर्पण के नाटक का असली कारण क्या है? क्या है तेरी योजना? बता। मेरी कोई योजना नहीं है। बेवकूफ समझता है मुझे? तू जैसे विद्रोही इतनी आसानी से खुद चलकर पुलिस के पास नहीं आते। मैंने कहा ना, मैंने अपना आत्मसमर्पण सिर्फ साई के कहने पर किया है। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हारे सामने आकर अपना गुनाह कबूल करूं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बोल बोल, साई तेरे साथ है? साई नहीं, तेरे से चोरी करवाई है। बोल, वो विद्रोहियों के साथ है। अगर नहीं बोलेगा तो मैं तुझे इसी तरह मारता रहूंगा। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। इस पर नजर रखना, मुझे इसकी हर एक खबर चाहिए। ये कहां जाता है, किससे मिलता है। पता है, आज सुबह सुबह एक टोकरी उपले बेचे मैंने। अब मैं विद्यालय जा सकती हूँ। और तू अपने ऊपर विश्वास रख, कल जैसा नहीं होगा। आज तो तू उपले जरूर बेच पाएगी। डर मत, ठीक है? साई की दवाई लेती रहना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं विद्यालय के बाद मिलती हूँ। द्वारका माई और पूरी बस्ती के लिए तेल लेना है। पता नहीं और कितने सारे उपले बेचने होंगे। से कौन खरीदेगा? मैं हकलाती हूँ। लोग मुझ पे हंसते हैं।
दिन ब दिन दिवाली करीब आ रही है, लेकिन मेरे पास बहुत ही कम पैसे जमा हो पाए हैं। गुरुजी से मदद लेती हूँ कि मुझे कितने उपले बेचने पड़ेंगे। जिप्री, छुट्टी के दिन भी आ गई, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछना है? पूछो, क्या पूछना है? एक टोकरी उपला छह आना, एक कनस्तर तेल एक सिक्का, छह कनस्तर तेल, क्या है ये? मुझे तेल खरीदना है, उसका हिसाब। मैं कुछ समझा नहीं। दिवाली आ रही है, मैंने सोचा है मैं दिवाली में द्वारका माई और अपने बस्ती में दिए जलाऊंगी, उसके लिए मुझे तेल खरीदना है। तेल खरीदने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए मैं तो सिर्फ उपले ही बेच सकती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे दिवाली में तेल और दिए खरीदने के लिए कितने उपले बेचने पड़ेंगे? मैंने तुम्हें गुना करना नहीं सिखाया ना, इसलिए तुम्हें हिसाब करने में परेशानी हो रही। लेकिन जिसमें तुम जैसी लगन हो वो औरों से सबसे पहले सीखेगी। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। छिपरी, पांच कनस्तर तेल के लिए तुम्हें कम से कम 500 उपले बेचने पड़ेंगे। 500 उपले? सच बोलने का फल है साई, मैं विष्णु की मदद करना चाहता था और उसने। नहीं जीवा, जैसे तुम भटक रहे थे वैसे ही वो भी भटक रहा है। तुम्हारी ही तरह वो भी सत्य का मार्ग खोज रहा है, बस उसकी दिशा ठीक नहीं है। धर्म की राह अधर्म की राह से हमेशा कठिन होती है। लेकिन धर्म की मार की कठिनाइयों से भी हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है। साई, मुझे घाव दिख रहे हैं लेकिन इसकी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। बल्कि विष्णु जब मुझे मार रहा था इसका दर्द तो तभी मिट चुका था। एक वक्त के बाद ऐसा लगा कि कूड़े नहीं फूल बरस रहे हैं। साई। हाँ साई, मैंने आपका स्मरण किया था,
मैंने आपका नाम लिया था साई, और पीड़ा उसी क्षण मिट चुकी थी। साई, आपने मेरी पीड़ा हरी रा साई, बोलिए रा साई, बोलिए रा साई। अल्लाह मालिक। हम सागर तरते, घन दुख के हरते, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साईया, अज्ञान तिमिर से For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.